पीआरपी इज अ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जहाँ पे हम पेशेंट का ही ब्लड विड्रॉ करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं। जब हम उसको प्रोसेस करते हैं तो ब्लड के सेल्स अलग हो जाते हैं, पानी अलग हो जाता है, बाय द सिंपल प्रिंसिपल। क्योंकि उसको सेंट्रीफ्यूज कर दिया, सेंट्रीफ्यूज कर दिया हमने, तो जो भारी सामान है वो नीचे बैठ जाएगा, पानी पानी ऊपर तैरना चालू कर देगा। पानी को प्लाज्मा बोलते हैं ब्लड के, और जो सेल्स नीचे बैठ गए वो आरबीसी से, क्योंकि उसमें आयन रहता है हीमोग्लोबिन, वो भारी रहते हैं तो वो नीचे बैठ जाते हैं। एट द जंक्शन ऑफ प्लाज्मा एंड आरबीसी, प्लेटलेट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लड प्रोडक्ट है अपने बॉडी का, जो ब्लड जहाँ पे अगर बह रहा होता है उसको बंद कर कोअगुलेट कर देता है, दबा के रखते हैं तो वो बंद हो जाता ब्लॉक है हो जाता जी। है। क्योंकि उसमें बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स है, वो फटाफट मैश वर्क करके बंद कर देगा वो चीज़ को। आई सी। तो प्लेटलेट्स के अंदर बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स है, उसको हम जब एक्टिवेट करते हैं, प्लेटलेट्स की सेल वॉल रप्चर होती है और वो ग्रोथ फैक्टर्स फिर वो प्लाज्मा में मिक्स हो जाते हैं। सो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बन गया, पीआरपी, दैट इज पीआरपी। और ये जड़ी बूटी है। अच्छा, जड़ी बूटी इसलिए है क्योंकि कोई भी एरिया जो डैमेज एरिया है वहाँ पे जब मैं इसको इंजेक्ट करूँगा वो वहाँ पे रिपेयरिंग वर्क करेगा। बट वो कौन से पेशेंट में, सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने बताया कि अगर मैं उसको फेस में इंजेक्ट करूँगा तो वहाँ पे कोलेजिन का रिपेयर वर्क करेगा। अगर मैं बालों के बाजू में डालूंगा उसको इंजेक्ट करूंगा तो वो हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा, वहाँ का माइक्रो इन्फ्लेमेशन को स्टेबिलाइज करेगा। अगर कोई क्रॉनिक अल्सर है जो हील नहीं हो रहा है, मैं जब वहाँ पे इंजेक्ट करूंगा तो वहाँ पे वो एक्टिविटी चालू करके वापस से सिपाही को बुला बुला के रिपेयरिंग चालू करेगा करके। अगर कभी कभी इनफर्टिलिटी के टाइम पे यूट्रस में भी इसको डाला गया है, यूट्रस को मोर रिसेप्टिव बनाने के लिए, एक ओवम जब आता है उसके लिए, तो जहाँ पे भी ये रिपेयरिंग वर्क एक स्टेगनेंसी पे पहुंच गया है जी, वहां पे पीआरपी काम में आता है। ओके। अब यही सेम चीज को ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट, ये यही चीज है पीआरपी, उसका एक हायर वर्जन है जहां पे प्लेटलेट की सेल वॉल भी निकल जाती है और सारे ग्रोथ फैक्टर उसमें कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं करके, वो जीएफसी हो गया। ओके। उसके लिए कुछ केमिकल्स पहले से डाले हुए रहते हैं, उसका प्रोसेसिंग थोड़ा अलग है, बट उसमें जो पूरा पूरा प्लाज्मा मिलता है वो जीएफसी से रिच रहता है। ओके। दैट इज अ ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट हो गया। ओके। तो कहीं ना कहीं फंडा सेम ही है, कितने उसमें ग्रोथ फैक्टर से वो वेरी करते हैं दोनों के नीचे। ओके। और आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि पेशेंट कैसा है उसके ऊपर होगा कि पीआरपी वाले जीएफसी कर सके या ना कर सके। मोर देन दैट, जैसे मैं अपने कंसल्टेंट राजीव वही बताता हूँ कि ये प्रोसीजर है, इसका प्रोज एंड कॉन्स ये है, इसका सक्सेस रेट ये है। ओके। तो सपोज एक पेशेंट मेरे पास आ रहा है जिसका 4 पीआरपी का सेशन हो चुके हैं लेकिन फिर भी एक स्टेगनेंसी आ गई कि उसको अभी और ग्रोथ चाहिए, एंड देट सामने से आज के सर पीआरपी के बाद क्या नेक्स्ट, क्या है ट्रांसप्लांट नहीं करवाना है, बट वॉट इज नेक्स्ट, दैट्स वेयर द रोल ऑफ जीएफसी विल कम। और देयर आर सर्टन पेशेंट वो बोलते हैं सर जो बेस्ट है वो करो, अगर आपको लगता है जीएफसी बेटर है पीआरपी से अब जीएफसी से चालू करो, है ना। तो ये वेरी भी करता है कि कौन से पेशेंट को क्या रिक्वायरमेंट है, उसके पास कितना पैसा है उस चीज़ के लिए इन्वेस्ट करने के लिए, है ना। अननेसेसरी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट जब उसको उतना उसके पास फाइनेंसिस ही नहीं है वो देना भी सही बात नहीं है। एब्सोल्युटली वो देना भी, तो स्टेप बाय स्टेप अगर अप्रोच करते हैं तो इट्स अ वेरी ट्रीटेबल प्रॉब्लम और काफ़ी अच्छे से उसको हम सेटल कर सकते हैं अगर दूसरे जेनेटिक फैक्टर्स बहुत स्ट्रांग नहीं है तो। आई सी। What is the success ratio in PRP and GFC? Yes. जो जिसको हेयर का residing yes. तो सक्सेस रेशियो नकुल उसमें ज़्यादा है जहाँ पे वो शाइनिंग स्कैल्प नहीं आया है। नाउ सपोज किसी किसी को हेयरलाइन रिसाइड हो रही है और ये एंगल एकदम शाइन हो चुका है, हाँ जी हाँ जी, अगर वो लोग मेरे पास वो करवाने आते हैं GFC एंड PRP फॉर दोज एंगल, तो सक्सेस रेट शायद से 0-10% रहेगा। बिकॉज गोइंग बैक टू दैट फंडा के सॉइल के लिए सीड्स ही नहीं बचे हैं, तो मैं क्या पीआरपी से उसको बाहर निकालूंगा। मेरे को वही सेम पेशेंट मुझे बोलेगा कि सर इसको तो छोड़ दो, इधर की डेंसिटी को इम्प्रूव करना है, तो पीआरपी का सक्सेस रेट अगर विटामिन थेरेपी और बाकी सब देंगे तो 70-80% है। 70-80% बाल बाहर आ सकते हैं। नाउ गिविंग दिस इंफॉर्मेशन अगेन विल लीड मी टू टॉक अबाउट द हेयर साइकिल, कि जब एक बाल ग्रो होता है वो 6 साल तक काला घना ग्रो होता है, फिर वो गिर जाता है, 6 महीने तक नीचे जिंदा रहता है, जिसको टिलोजन फेस बोलते हैं, उसको एनाजन फेस बोलते हैं, गिरने वाले को कटाजन फेस बोलते हैं। ओके। सो पीआरपी इज बेसिकली इन्वेस्टमेंट इन अ टिलोजन फेस, जो हाइबरनेशन में जो सारे बाल है फॉलिकल्स है
उसको हम अगर अच्छा सा न्यूट्रिशन देंगे, रिपेयर वर्क करके एनवायरमेंट देंगे, तो जब वो बाहर आएंगे वो लंबे समय तक रहेंगे करके. तो ये सारी चीज़ें हैं फॉर पीआरपी. लेकिन इसके साथ अगर स्मोकिंग की हिस्ट्री है, विटामिन कम है, तो मेरा पीआरपी नलीफाई कर देगा, साइड से ग्रोथ ना कर पाए कुछ भी. सो नेगेटिव फैक्टर्स जो है उसको तो कंट्रोल करना ही करना है, तब जाके पॉजिटिव फैक्टर काम करेंगे. जैसे कि एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी करने के बाद घी तेल तो नहीं ही खाना है, अगर वो भी खाते रहोगे तो फिर इसकी भी इफेक्ट कम ही हो जाएगी. तो आप कौन सी ट्रीटमेंट कौन से पेशेंट में दे रहे हो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राधे देन कौन कितनी कितनी ट्रीटमेंट है आपके पास बालों के लिए, वो दिखाओ. लाइक यू सेड कि जितना शाइनिंग होगा उसमें इतना वर्क नहीं करेगा, तो फिर इसके लिए हेयर ट्रांसप्लांट. ओके. सो अगर मेरे पास सपोज कोई पेशेंट ऐसे कैबिन में आता है कि तो मेरा ये बहुत ही रूटीन है अगेन कि ट्रीटमेंट फॉर बाल्डनेस 5 है मेरे पास. फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट योर सेल्फ, है ना कि भाई है इसका ये पॉसिबिलिटी है. आपको लगता है हाँ मैं सिर्फ सुनने आया था लेकिन मुझे ये सब डर वर लगता है इंजेक्शन वंजेक्शन से, तो कुछ मत करो, बी हैप्पी विथ योर सेल्फ, शेव ऑफ कर दो, है ना. और किसी किसी की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है और डोनर साइड बहुत छोटा रहता है, जिसमें शायद से बायोलॉजिकली मैं कुछ भी ना कर पाऊँ, एकदम ही शाइनिंग ग्रेड 7 बाल्डनेस है, डोनर एरिया भी बहुत छोटा है, तो मैं हेयर ट्रांसप्लांट भी मैं कुछ अच्छा काम नहीं कर पाऊंगा, ना पीआरपी उसमें अच्छा काम करने वाली है, ना दवाई से कुछ बाल आने वाले हैं, क्योंकि उसकी सारी साइकिल एग्जॉस्ट हो चुकी है. सो कैमोफ्लाज वुड बी अ बेटर ऑप्शन, मतलब वीक पेन लो. ओके. वैसे वाले या एसएमपी होता है, स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन, जहाँ पे स्कैल्प के ऊपर डॉट 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 करके टैटू कर देते हैं. दूर से वो लिखता है कि क्रू कट है, लेकिन जब पास में आके देखते हो लगता है कि वो टैटू है पूरा पूरा. अच्छा. ओके. तो ये सारे उसके ऑप्शंस है. सो फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस, सेकंड इज लाइफस्टाइल चेंज, कि आप थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल चेंज करोगे तो एक साल के एंड में आपको 10-15% इंप्रूवमेंट आ सकता है. दैट्स इट, ज्यादा नहीं आएगा. ऐसा नहीं कि आप एक्सरसाइज करना चालू करोगे बाल आने चालू होने वाले हैं. सो उसका एक सक्सेस रेट है. अगर लाइफस्टाइल चेंज के साथ आपने दवाइयाँ भी लेना चालू कर दी, प्रोटीन्स को अपना रिप्लेसमेंट करना चालू कर दिया, तो वो सक्सेस रेट एक साल के एंड में 30-40% हो जाएगा. उसके साथ आप मेडिसिन ऐड करोगे तो 50-60% हो जाएगा. उसके साथ आप पीआरपी ऐड करोगे तो 60-70% हो जाएगा. अगर आपने हेयर ट्रांसप्लांट किया तो वो 95-99% सक्सेस रेट है, क्योंकि उसमें पीछे से बाल, एक्चुअल बाल लेके आगे ट्रांसप्लांट करते हैं. तो ये सारे रास्ते हैं. एंड जैसे मैंने बोला कैमोफ्लाज, जैसे जिस किसी का 2 बार हेयर ट्रांसप्लांट हो चुका है लेकिन फिर भी उनकी लाइफस्टाइल इतनी हैवी है, स्मोकिंग की हैबिट से जा नहीं रही, एक बीच में कुछ पैच है और उनको कैमरास के ऊपर जाना है रोज, तो आप फाइबर डाल दो, मेकअप ज्यादा फाइबर डाल ही देते हैं तो क्योंकि वो डेंसिटी देने के लिए, तो कैमोफ्लेज ट्रीटमेंट है कहीं ना कहीं. तो व्हाट इज बाल्डनेस, बालों के बीच में जो स्कैल्प दिखता है, चमड़ी दिखती है, वो बाल्डनेस है. तो कुछ भी आप वहां पे काला डाल दो वो बाल्डनेस का सोल्यूशन है, चाहे वो नेचुरल बाल हो या कटे हुए बालों का वीविंग हो या वो आर्टिफिशियल फाइबर्स हो या वो वीग हो. लेकिन या तो पहले के जमाने में वो डाई को पूरा पूरा घिस डालते थे इवन ऑन द बाल्डनेस, तो दूर से वो ब्लैक ब्लैक दिखता है, पास आके देखो लगता है ये तो बाल्डनेस है, राइट. बट वो काला पदार्थ उसको छुपा देता है, राइट. एग्जैक्टली वो इंक भी वही सेम चीज करती है, वो टैटू ऐसे हो जाता है कि वो ऐसे लगता है कि छोटे छोटे बाल है. सो बाल्डनेस को ट्रीट करने के लिए या तो कैमोफ्लाज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मेडिसिंस, पीआरपी, हेयर ट्रांसप्लांट. अब कौन सा पेशेंट कहाँ पे फिक्स होता है ये समझना और पेशेंट को समझाना भी बहुत जरूरी है.